हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और पबजी मोबाइल की वीडियो में। तो यार, इसमें हम केयर वर्जन ही चल रहा है और लिविक खेल रहे, तो ये हमारे केयर वर्जन का पहला लिविक है, तो आधा से ज़्यादा तो बहुत ही आएंगे। बट यार, ये देखो मिड टीम में तो असली स्क्वाड फाइट पक्का पक्का होएगी और हमेशा से होती आ रही है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा रेंडर वेंडर नहीं होता है यहाँ पर, बट जल्दी से हो जाता है तो इतना भी कोई डिले नहीं होता। तो बस अब हम यहाँ से गन वन लेंगे और बंदों को मारेंगे। तो यार, इस मैच में भी मैं रैंडम्स के साथ खेल रहा हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा, बट कोई बात नहीं, संभाल लेंगे भाई, चिकन निकाल ही लेते हैं अभी मैच। वैसे तो आधा से ज़्यादा बॉट होते हैं तो इतना कोई हार्ड होता नहीं है चिकन निकालना, बट फिर भी जितने भी असली बंदे थे उतने थे। और भाई, एक और बात बताऊँ भाई, इसमें ना यार, इस वर्जन में बहुत सादा ग्लिच है, मतलब कम से कम मेरे साथ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे को और किसी का नहीं पता। देखो, एक तो इसमें मेरी पिंग काफ़ी फ्लक्चुएट हो जाती है कभी कभी, और यार जब भी मैं स्कोप खोलता हूँ ना भाई, तब मतलब मैं अगर फायरिंग स्टार्ट कर दी स्कोप खोल के, तो मैं भाई मूव नहीं कर पाता हूँ, ड्रैग नहीं कर पाता हूँ अपनी स्क्रीन को, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट मैं उसे भी जल्दी से सॉल्व कर लूँगा भाई, रिपोर्ट वगैरह भी कर दूँगा मैं, और ऐसी कोई बात नहीं है भाई, इतनी भी कोई मुश्किल नहीं आती। बट फिर भी यार देखो, आप गायरो यूज़ करते हो तो वो भाई सिर्फ रिकॉइल के लिए होता है, आप उसे ऐसे वो यूज़ नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं कर सकते आप गायरो से। और देखो, अगर आप कर भी सकते हो ना तो भी भाई, हमेशा मतलब ऐसा नहीं हो पाता है कि आप गायरो पूरी तरह से यूज़ तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी। आप लोग अगर कर पाते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाई, देखा कमेंट बढ़ाने की निंजा टेक्निक। तो हम बस यहाँ पर बंदों को देख रहे होते हैं, हमें दो चार बंदे तो दिख जाते हैं तो, बट यहाँ पर कम से कम दो स्क्वाड होती है। तो बस अब हम सारे बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे होते हैं अभी। तो यार, जैसा कि मैंने बताया, जब मैं स्कोप खोल के फायर करता हूँ तो मेरे को ड्रैग करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उस वजह से वो बच जाता है, नहीं तो आपको पता है भाई, SMG का रिकॉइल बिल्कुल ना के बराबर होता है। बट कोई बात नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं। तो यार, यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट मेंबर होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाते हैं और अकेले ही आगे रश कर देते हैं, तो उन्हें ना नॉक कर दिया जाता है, वहाँ पर उन्हें पकड़ लिया जाता है और अब उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा भाई, उनको पूरा ही मार दिया जाएगा। तो ये देखो, मार दिया है उन्हें पूरा। तो बस अब हम आगे जाएंगे यार उन बंदों को मारने, और जितनी देर में हम जा रहे होते हैं भाई, उतनी देर में जो थर्ड नंबर होता है उसने वहाँ का मामला साफ़ कर ही दिया होता है, क्योंकि वो उनके पीछे होता है, तो उससे उन सबको पीछे से मार दिया होता है। तो अब हम यहाँ से लूट लूट करके आगे की साइड जाएंगे थोड़ा और बंदों को देखने के लिए। अब मेरे को लग रहा था कि यार देखो, अब सारे ही बॉट ही होंगे लगभग, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही ओपन में घूमूंगा अब, और टेंशन की बात नहीं है। देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता इस मैच में, मैं नॉक तो होता ही नहीं हूँ इस मैच में, है ना। तो बस वहाँ से दो चार मिनट लूट करने के बाद हम आगे बंदों को ढूंढने चल देते हैं, मैं और टीम नंबर अभी साथ में है।
I got supplies. Enemies ahead. Form up on me. Marked a location. तो यहाँ पर बहुत देर भटकने बाद हमें बॉट फायर आती है, तो यहाँ पर दो चार बॉट होते हैं, वो लड़ रहे होते हैं, तो मैं तो मार देता हूँ। और यार देखो, बेशर्मों की तरह बॉट का भी किल चुरा लिया मैंने। और उतनी देर में मेरे को पीछे से भी फायरिंग आती है, तो इस साइड में जल्दी से आ जाता हूँ। यहाँ पर हमारे टीममेट पहले ही संभाल लेते हैं, इसके पास भी UMP होती है। Excellent work. तो यहाँ पर हमें लग रहा होता है कि बॉट ही होते हैं, बट यहाँ पर एकदम से असली बंदे भी आ जाते हैं, तो मैं एक जने को तो संभाल ही लेता हूँ भाई, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि ये बॉट है, तो पीछे करके देख लीजिए, ये कूद रहा होता है, और बॉट कभी भी नहीं कूदते हैं, ठीक है। तो इसे तो मैं संभाल लेता हूँ, और फिर हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके और भी टीममेट हो सकते हैं। बट हमें यहाँ पर कोई नहीं मिलता, तो मैं तो ड्रॉप के पास जा रहा होता हूँ बस, क्योंकि आपको पता है भाई, मेरे को ड्रॉप की गने बहुत अच्छी लगती है। किसे नहीं लगती, मतलब अगर आप वो M7 या फिर ग्रोजा में से कोई ऑप्शन मिले, तो यार मेरे हिसाब से तो सब लोग ग्रोजा ही चुनेंगे। तो अब हमें उधर कोई नहीं मिलता है, और यहाँ से फायरिंग की आवाज़ आ रही होती, तो हम भाई बहुत ज़्यादा स्पीड में हम यहाँ पर आ जाते हैं, और सामने जो लकड़ी का पता नहीं क्या है, वो कटा हुआ हिस्सा है या जो भी है, उसके पीछे बंदा होता है, तो उसे तो हमारे टीममेट संभाल लेते हैं, और वो शायद उधर अकेला ही होता है। यार यहाँ पे उतनी देर में एक बॉट भी आ जाता है, और यार जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी स्क्रीन ड्रैग नहीं हो पा रही है, तो आप खुद देख सकते हैं भाई, मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसे ड्रैग करने की, बट वो नहीं हो पाती है। एक्सेलेंट वर्क। Marked a vehicle. Fall back to safe zone. Get in the car. Enemies ahead. Enemies ahead. Form up on me.
Enemies ahead. तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है और हम उसे वही हर जगह ढूंढते हैं। हमें पहले लग रहा होता है कि मिड्स तीन में होगा, वो असली होगा, कैंप कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता, वो भी बॉट ही होता है। तो बस अब यहाँ से थोड़ा मैं बाहर निकलूँगा और वो हमें मिल जाएगा तो उसे मार देंगे भाई, और चिकन हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पर हमें लग रहा होता है कि वो सांप बना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी एक बॉट ही होता है वगैरह। और इसी के साथ हमारा चिकन हो जाता है। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना, और भाई इस वीडियो को लाइक भी कर देना और जितना हो सके उतना शेयर भी कर देना। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय।